सारे बच्चे सुनना ध्यान से, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली। भैया ये तीनों ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ भी लगते हैं, वर्ब के साथ भी लगते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के साथ आपको लगाता हूं, इसका मतलब होता है या तो या फिर। क्या होता है? कैसे होता है ध्यान देना। या तो रवि या फिर सोहन वहां जाएंगे, सो आप इंग्लिश में बनाओगे और सोहन विल गो देयर। कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया सबको? यहां पर आप देखो तो रवि और सोहन जो है दोनों क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया हमने? आइदर और। या तो सीमा या फिर रीना स्टेज पर आएगी, बोलो वेलकम ऑन द स्टेज। जो बोलेगा वो सीखेगा, जो नहीं बोलेगा पीछे रह जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में। या तो तुम या फिर मैं इस कंपटीशन को जीतेंगे, आइदर यू और आई विल विन दिस कंपटीशन, आइदर यू और आई विल विन दिस कंपटीशन। या तो सीमा या फिर रीना इस काम को करेगी, विल डू दिस वर्क। यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं आपको लगाना सिखाता हूं वर्ब के साथ। वर्ब के साथ जब ये लगेगा तो वर्ब के आगे ही इसको लगाना है आपको। देखो कैसे लगाते हैं। तुम या तो टीवी देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो, तुम या तो यहां आते हो या फिर वहां जाते हो, तुम या तो खंडवा में रहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो। आ रही बात समझ में? मतलब जब दो अलग अलग एक्शंस में से कोई एक एक्शन आप करते हो, जैसे मैंने कहा तुम या तो क्रिकेट खेलते हो या फिर टीवी देखते हो, क्या बनेगा इंग्लिश में? यू अब ये कितने लोगों को समझ में आया? इसमें ध्यान रखना मैंने क्या किया है, इसमें मैंने शुरू में लगाया है किसके आगे, लेकिन इसमें मैंने किसके आगे लगाया? प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी, मतलब ये दोनों क्या है? वर्ब है। तो इसमें किसको जोड़ने का काम कर रहा है? वर्ब को, प्रेडिकेट को जोड़ने का काम कर रहा है। ऊपर वाले में सब्जेक्ट को जोड़ने का, बीच वाले में प्रेडिकेट को जोड़ने का काम इधर और कर रहा है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? पक्का? चलो अब इसके वर्ब के चार पांच सेंटेंसेस बोलते हैं। तुम या तो यहां आते हो या फिर वहां जाते हो, यू आइदर कम हियर और गो देयर। तुम या तो इंग्लिश बोलते हो या फिर तुम खाना खाते हो, यू गॉट इट। वह या तो टीवी देखता है या फिर वो आराम करता है, वह वह वह। ही आइदर वॉचेस टीवी और टेक रेस्ट की टैक्स रेस्ट, टैक्स रेस्ट, टेक में क्या लगेगा? एस। यू गॉट इट? आई बात समझ में? चलो अब तीसरा मैं किस में जोड़ूंगा? तुम या तो हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश, यू स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। अब ये बताओ ये कितने लोगों को समझ में है? इसमें आइदर और किसको जोड़ रहा है बताओ? दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट के आगे देखो ये लगा है। कुछ आया समझ में? तुम या तो खंडवा में रहते हो या फिर इंदौर में, आइदर इन खंडवा और इन इंदौर। याद रखना इंदौर का आई कैपिटल आएगा, है ना? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल आता है। ऐसे खंडवा का भी पहला लेटर के कैपिटल आएगा, ना? यू लीव आइदर इन खंडवा और इन इंदौर, दोनों में अलग अलग प्रिपोजिशन लगाना है। तुम या तो क्रिकेट खेलते हो या फिर हॉकी खेलते हो, यू प्ले आइदर क्रिकेट और हॉकी। अब बताओ मुझे क्या समझ में आया है कि नहीं हलवा? अगर आइदर और समझ में आ गया तो नाइदर नॉर यूं आएगा, बोलो कैसे? तुम
तुम ना तो क्रिकेट खेलते हो ना ही टीवी देखते हो। यू नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर वॉच टीवी। ना तो रवि ना ही सोन वहां जाएंगे। तुम ना तो हिंदी बोलते हो ना ही इंग्लिश। कितना आसान है कि नहीं? तो या तो या फिर ना तो ना ही। अब लास्ट वाला ये भी वैसे ही आ जाएगा समझ में अगर तुमने इन दोनों को समझ लिया तो। समझाओ, इसका मतलब होता है ही नहीं भी है बल्कि है। देखो कैसे, मैंने कहा नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सोहन विल गो देयर। रवि ही नहीं बल्कि सोहन भी वहां जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा देखना, यू नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो टीवी। तुम क्रिकेट ही नहीं खेलते हो टीवी भी देखते हो। ऐसे अगला, यू स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते बल्कि हिंदी भी बोलते हो। आया क्या समझ में? अब मैं हिंदी में सेंटेंस पूछूंगा, आप इंग्लिश में करेंगे। तैयार है? या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे। Either you or I will go there. ना तो तुम ना ही मैं वहां जाएंगे। Neither you nor I will go there. या तो रवि या फिर किशन स्टेज पर आएगा। Either रवि और किशन will come on the stage. तुम एक अच्छे डांसर ही नहीं एक अच्छे सिंगर भी हो। You are not only a good dancer but also a good singer. But also good? Singer. मैं ना तो सिंगर हूं ना ही डांसर हूं। I am neither singer nor dancer. ना मैं तो डॉक्टर हूं ना ही मैं इंजीनियर हूं। I am neither doctor nor engineer. अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है? Yes. पक्का पक्का? तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया? दो ऑल दो एज एज नाइदर नॉर आइदर और। अब सच और सो दैट को भी लगे हाथ देख लो। सो दैट के बीच में क्या आता है? सच दैट के बीच में। तैयार हो सीखने के लिए? पक्का पक्का? लॉक कर दे। चलो, सो दैट और सच दैट दो मिनट में सिखा रहा हूं दोनों कॉन्सेप्ट, पूरा अटेंशन चाहिए। सो दैट और सच दैट भाई क्या डिफरेंस है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दैट के बीच में क्या लगाते हो? एडजेक्टिव। क्या लगाते हो? So good that, so bad that, so intelligent that। कुछ आ रही बात समझ में? ये तीनों वर्ड आपके क्या हैं? एडजेक्टिव। क्या हैं? अब ध्यान देना, रवि इतना अच्छा है कि उसे सभी पसंद करते हैं। रवि इज सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। रवि इतना अच्छा स्पीकर है कि वो कुछ भी बोल सकता है। रवि इज सो गुड स्पीकर दैट ही कैन स्पीक एनीथिंग। और ऐसे मैंने कहा रवि इतना इंटेलिजेंट है कि वो कोई सा भी टेस्ट पास कर सकता है। क्या बोलोगे? रवि इज सो intelligent that he can pass any test. आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? चलो इसके बाद है such that। such that के में सच के बाद क्या आना चाहिए? No. तो such a boy that, such a girl that, such a student that। रीना एक ऐसी स्टूडेंट है जो रोज क्लास अटेंड करती है। रीना इज सच अ स्टूडेंट या रीना इज सच अ गर्ल दैट अटेंड्स क्लास रेगुलरली। रीना एक ऐसी लड़की है जिसे सभी पसंद करते हैं। रीना इज सच अ गर्ल दैट एवरीबडी लाइक्स हर बिकॉज शी इज वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव, शी नेवर हर्ट्स एनीवन, यू नो।
सो रीना इज सच अ गर्ल दैट एवरीबडी लाइक्स हर. ऐसे मैंने बोला रवि एक ऐसा लड़का है जो क्रिकेट भी खेल लेता है और हॉकी भी खेल लेता है. रवि सच अ बॉय दैट कैन प्ले क्रिकेट एंड हॉकी. यू गॉट इट? आ रही बात समझ में? पक्का पक्का? तो सच के बाद क्या आना चाहिए? नाउन. सो के बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव. क्या ये समझ में आया? आगे ले चलूं. सो दैट का मतलब होता है ताकि. अब ये सो दैट और ये सो दैट में अंतर है. ये सो के बाद एडजेक्टिव आता है और फिर दैट आता है, लेकिन यहां पर सो दैट दोनों एक साथ ही लगे हैं. तब ये क्या मतलब देता है? ताकि का. कैसे? हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम पास हो जाए. वी स्टडी सो दैट वी कैन पास. हम यहां आते हैं ताकि हम हमारी इंग्लिश को इंप्रूव कर ले. वी कम हियर सो दैट वी कैन इंप्रूव आर इंग्लिश. यू गॉट इट? चलो आगे चलते हैं. एज इफ. एज इफ मतलब क्या होता है? मानो जैसे. क्या होता है? मानो जैसे. वह ऐसे बोलता है मानो जैसे वह कोई राजा हो. ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ किंग. मैं यहां लिखना चाहूंगा ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ. अभी मैंने इज लगाया, ठीक है. अब मैं इसको पास्ट में बनाता हूं. उसने ऐसा बोला मानो जैसे वह कोई राजा हो. ही स्पोक एज इफ ही वर अ किंग. आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही. ऐसे देखो, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो जैसे वो बहुत नॉलेजेबल हो. ही बिहेव्ड एज इफ ही वर वेरी नॉलेजेबल. आ रही के बाद समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही. पक्का पक्का? अरे सो रहे हो? चलो आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट ओके. ये क्या है? एज इफ. एज इफ मतलब क्या होता है? मानो जैसे. मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ा सकता हूं. आई कैन टीच हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. जहां तक मैं जानता हूं रवि एक अच्छा लड़का है. एज फॉर एज आई नो रवि इज अ गुड बॉय. ज्यो ही वह स्टेज पर आया, सभी खड़े हो गए. एज सून एज ही केम ऑन द स्टेज एवरीबडी स्टूड अप. एवरीबडी स्टूड अप. ऐसे नेक्स्ट है जब तक आप सुनोगे आपको समझ में आएगा. एज लॉन्ग एज यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड. आपके जाने के बाद मैं जाऊंगा. आई विल गो आफ्टर यू गो. यू गॉट इट? नाउ आपके जाने के पहले मैं गया या मैं आपके जाने के पहले जाऊंगा. आई विल गो बिफोर यू गो. यू गॉट इट? नेक्स्ट जब तक आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा. Until unless you listen, you will not understand. यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा. चूंकि वह छोटा बच्चा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है. बट ही इज वेरी नॉलेजेबल. जैसा आपने बोला मैंने किया. एज यू सैड आई डिड या आई डिड एज यू सैड. पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे. मैंने उसकी मदद की इसलिए उसने मेरी मदद की. आई हेल्प्ड हिम दैट्स वाई ही हेल्प्ड मी. मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं. मैं वहां जाऊंगा किंतु आप यहीं रहोगे. यू विल स्टे हियर. ओके यहां आओ अथवा वहां जाओ. यहां आओ और वहां जाओ. आया समझ में?